अस्सलाम वालेकुम माय शाइनिंग स्टार्स, बेटा हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपको इंग्लिश की क्लास में वेलकम कहती हूँ। बेटा टेक योर इंग्लिश बुक्स इन योर हैंड्स। इंग्लिश की बुक्स जो है तो अपने हाथ में ले लें और चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लें। अ नोट फॉर यू। देखो बच्चों, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, जिनमें से एक नेमत हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमारी परवरिश की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें खाने को हर चीज दी, खेलने के लिए खिलौने दिए। आप छोटे हो ना, देखो आपको आपके मामा बाबा कितने टॉयज ला के देते हैं ताकि आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो, आप उदास ना हो। इसी तरह वो आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं ताकि आप पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बन सकें और किसी मुकाम तक पहुंच सकें। ठीक है, देखो बेटा, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे अम्मी अब्बू कितना खुश होते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे दुख में भी, हमारी खुशी में भी हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन बच्चों, अल्लाह ताला उनसे 70 गुना ज्यादा अपने बंधु से प्यार करता है। ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें इतना मुखलिस रिश्ता दिया जो हमारे दुख सुख में, हमारी खुशी में हमारे साथ होते हैं, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए और अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखना चाहिए। ओके बेटा, अब हम बुक की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 2, अ नोट फॉर यू। ठीक है, इसमें एक नोट है ना आपके लिए। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले डियर मामा एंड पापा। डियर का क्या मतलब होता है, प्यारा। डियर प्यारा। ठीक है, डियर का मीनिंग है प्यारा। पे ये लिखिया, पे ये लिखिया, रेलिफ्रा, प्यारा। ठीक है, डियर मामा एंड पापा, प्यारे अम्मी अब्बू, यू आर द बेस्ट मामा एंड पापा अल्लाह हैज एवर मेड। यू आर द बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छी। ठीक है, बेस्ट, सबसे अच्छी। हाँ, सीन बे सब, सीन बढ़िया से, सबसे, अलिफ छे बढ़िया, अच्छे अच्छे, सबसे अच्छे मामा एंड पापा अल्लाह हैज एवर मेड, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ठीक है, आप सबसे अच्छे मामा बाबा हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। मेड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, बनाना, मेड बनाना, बनाना। ठीक है, यू गिव मी फूड टू ईट। यू गिव मी, आप मुझे देते हैं फूड टू ईट, खाने के लिए खुराक देते हैं। ठीक है, ईट का मतलब होता है खाना, फूड का मतलब होता है खुराक। ठीक है, फूड का मीनिंग देखें, खुराक, FWD, फूड, खुराक। हे वाहो, रियली फ्राक की राक, खुराक। ठीक है, फूड, खुराक, इसका मतलब होता है खाना। आप मुझे खाने के लिए खाना देते हैं। यू गिव मी टॉयज टू प्ले, आप मुझे खेलने के लिए खिलौने देते हैं। टॉयज का मतलब क्या होता है, खिलौने। ठीक है, टॉयज, खिलौने, TOYS, टॉयज, खिलौने। खाफ लामवालू नून बड़िए ने, खिलौने। ठीक है, टॉयज, खिलौने, टू प्ले, खेलने के लिए, आप मुझे खेलने के लिए खिलौने देते हैं। यू सेंड मी स्कूल टू स्टडी। यू सेंड मी, आप मुझे भेजते हैं स्कूल, स्कूल टू स्टडी, पढ़ने के लिए, आप स्कूल मुझे पढ़ने के लिए भेजते हैं। यू हग मी, हग का मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, हग का मतलब होता है गले लगाना। गाफ लामबड़िए ले, गले, लाम गाफ अलिफ गा नून अलिफ ना, गले लगाना। हक का मतलब होता है गले लगाना। वेन आई एम सैड, वेन जब, आई एम सैड मैं उदास होती हूँ, आप मुझे गले लगाते हैं जब मैं उदास होती हूँ। यू आर हैप्पी, आप खुश होते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, HA है, HAP है, PYP हैप्पी, खुश होना। ठीक है, हे वाउशीन खुश, हे वाउशीन खुश। ठीक है, हैप्पी, खुश। वेन आई डू समथिंग गुड, वेन आई डू, जब मैं करती हूँ समथिंग कुछ कुछ गुड, अच्छा, आप खुश होते हैं जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ। ठीक है, आई लव यू मामा एंड पापा, मामा अम्मी और अब्बू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, यू आर डॉटर, आपकी बेटी। डॉटर का क्या मतलब होता है, बेटी। ठीक है, डॉटर, बेटी, DAUGHTER, डॉटर, बेटी, बे जे बे, छोटी बेटी, योर बेटी सारा। ये एक नोट किसने लिखा हुआ था, सारा ने लिखा हुआ था अपनी अम्मी अब्बू को। ठीक है,
और उसने उसमें उसने बताया कि मैं अपनी अम्मी अबू से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मुझे खाना खाने के लिए देते हैं, टॉयज देते हैं, स्कूल भेजते हैं, जब मैं उदास होती हूँ मुझे गले लगाते हैं, जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो वो खुश होते हैं। तो वो क्या कहती है, मैं अपनी अम्मी अबू से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, तो इसमें ये जो मैंने डिक्टेशन वर्ड करवाए हैं, मीनिंग करवाए हैं, तो ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ठीक है, चैप्टर मेंशन करके, डेट डे मेंशन करके, तो ये मीनिंग जो है तो ये आपने लिखने हैं नोटबुक पे। ठीक है, नीट एंड क्लीन काम करना। आगे मैं आपको इसके वर्ड सेंटेंसेस करवाऊंगी। ठीक है, वर्ड सेंटेंसेस। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बेस्ट। ठीक है, BEST, बेस्ट। BEST, बेस्ट। तो बेस्ट का सेंटेंस होगा हमारे पास, यू आर माई बेस्ट मामा एंड पापा। YOU ARER YOUR MY BEST, बेस्ट। MAMA मामा, ANDE एंड, ANDE एंड, PAPA पापा। यू आर माई बेस्ट मामा एंड पापा, आप मेरे सबसे अच्छे मामा और पापा हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। आगे है हमारे पास गिव, GIVE, गिव। दूसरा सेंटेंस है गिव, GIVE, गिव। यू गिव मी फूड टू ईट, आप मुझे खाना खाने के लिए खुराक देते हैं, खाना खाने के लिए देते हैं। ठीक है, YOU, GIVE, गिव। ME मी, यू गिव मी, FOOD, फूड, TO2, EAT, ईट। यू गिव मी फूड टू ईट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा स्टडी, STUDY, स्टडी। आई स्टडी इन क्लास वन, STUDY, स्टडी। IN CLASS, क्लास, ONE, आई स्टडी इन क्लास वन। आगे है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। IAMAMVERY, वेरी। HAPPY, हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास नंबर फाइव है गुड, GOOD, गुड। ठीक है, यू आर अ गुड गर्ल, YOU ARE, यू आर अ GOOD, गुड, GIRL, गर्ल। ठीक है, यू आर अ गुड गर्ल, आप एक अच्छी लड़की हो। ठीक है, आगे हम ये सेंटेंसेस भी आपने क्या नोटबुक पे लिखने हैं बच्चों। ठीक है, नीट एंड क्लीन काम करना, मार्जिन ड्रा करके तो ये लिखने हैं आपने। ठीक है, आगे आप इसकी बुक एक्टिविटी पे आ जाए। अब हम इसकी बुक एक्टिविटी करेंगे। बुक एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, एक्टिविटी ए है फिलिंग द सर्कल और आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो सही होगा हमने उस पर सर्कल करना होगा। ठीक है, तो पहला है हमारे पास हु इज राइटिंग द नोट, कि नोट कौन लिख रहा था, सारा लिख रही थी, उमर लिख रहा था या अली लिख रहा था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भी है, तो कौन लिख रहा था, सारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे फर्स्ट वाला, उसको हम सर्कल करेंगे। ठीक है, नंबर टू है हमारे पास हु ब्रिंग्स टॉयज फॉर यू, आपके लिए खिलौने कौन लाता है, मामा पापा या बोथ, मामा लाते हैं पापा या दोनों, तो दोनों लाते हैं ना, तो बोथ पे हम करेंगे सर्कल। ठीक है, आगे नंबर थ्री हमारे पास हु गिव्स यू फूड, आपको खाना कौन देता है, मामा पापा सिस्टर एंड ब्रदर, तो खाना कौन देता है, मामा देती है ना, तो इस पे हम सर्कल करेंगे मामा पे। ठीक है, नंबर फोर है हमारे पास हु ब्रिंग्स न्यू क्लॉथ्स फॉर यू, आपके लिए नए कपड़े कौन लाता है, मामा लाती हैं, पापा लाते हैं या बोथ, दोनों लाते हैं, तो बोथ दोनों लाते हैं ना, दोनों उस पे सर्कल करेंगे बोथ पे। ठीक है, BOTH, उस पे हम सर्कल करेंगे। नंबर फाइव है हमारे पास डू यू लव योर पेरेंट्स, कि आप अपने वालदेन से प्यार करते हैं, तो यस, हर कोई अपने पेरेंट्स से प्यार करता है। ठीक है, तो हम पहले वाले पे सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गए हैं, डू यू लव योर पेरेंट्स, यस। ठीक है, आगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक्टिविटी बी है फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये ब्लैंक्स आपने खुद फिल करनी है। ठीक है, अपने माई सेल्फ अपने बारे में बताना है, माई नेम इज डैश, अपना अपना नाम मेंशन करना है अपनी बुक पे। ठीक है, आई हैव डैश सिस्टर, आपकी जितनी बहनें हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, आई हैव डैश ब्रदर, अगर एक है तो सिंगल लिखना ब्रदर, और अगर बहुत से हैं तो ब्रदर्स पे टिक करना। ठीक है, माई फादर्स नेम इज, अपने अब्बू का नाम लिखना है कि आपके अब्बू का क्या नाम है। ठीक है, आगे नंबर फाइव है माई मदर्स नेम इज, अपनी अम्मी का नाम लिखना है। ठीक है,
ये थे, ये आपने खुद करनी है बच्चों। तो आगे एक्टिविटीज ये है हमारे पास, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स पेस्ट करनी है, अपने दादा अब्बू की, दादी अम्मी की, अम्मी की, अब्बू की, ब्रदर की और सिस्टर की, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से हैं, ग्रैंडफादर, दादा अब्बू, ठीक है, उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक। उसके बाद ग्रैंड मदर, दादी अम्मी, उसके बाद फादर अब्बू की, ठीक है, उसके बाद मदर अम्मी की, ब्रदर भाई की और सिस्टर बहन की, ठीक है। ये आपने आपकी होम एक्टिविटी है, ये अपने घर में काम करना है, ठीक है। ये था बच्चों आज आपका लेक्चर, आपने इसको रीड आउट करना है, ठीक है, रीडिंग भी करनी है और इसके जो मीनिंग मैंने करवाए हैं वो भी, वर्ड सेंटेंसेस भी और इसकी बुक एक्टिविटी भी, और जो होमवर्क आपको दिया है वो भी करना है, ठीक है। तो बच्चों अपना ख्याल रखना, गुड लक टू यू, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।